जी तो गाइस सफर में हम निकल पड़े थे इस्लामाबाद के और फुल सफर एंजॉयमेंट हो रहा है, आपको भी दिखाते हैं, एंजॉय करवाते हैं और चलते हैं इस्लामाबाद। अपना रेस्टोरेंट है इस्लामाबाद में, आपको वो भी दिखाते हैं आज और घर भी दिखाते हैं, घर भी है अपने पास माशाल्लाह। और फिर आगे का सफ़र भी कंटिन्यू करेंगे सुबह से इंशाल्लाह। और देखिए सफ़र, आप सफ़र इंजॉय करें, इंजॉय करना है फिर जी इंशाल्लाह, हमने फुल एंजॉय करना है और आप लोगों को फुल इस्लामाबाद घुमाना है। इस्लामाबाद भी, मरी भी, पीसी भी, हर जगह आप लोगों को लेकर जाएंगे। खानपुर डैम भी आप लोगों को लेकर जाएंगे। ये वाले ब्लॉग आपने मिस नहीं करने, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, एंजॉय करेंगे आप इंशाल्लाह। क्यों इंशाल्लाह जी, हमने इतना एंजॉय करना है, इतना एंजॉय करना है कि आप हमारी वीडियोस देख के बहुत हैप्पी होने वाले हो। जी तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं बेहरा इस्लामाबाद और चलते हैं KFC पे कुछ खाते हैं। बाप रेडी हो? रेडी गाइस, हमारा KFC आ गया था और खाते हैं। क्यों बाप? मुर्गी आ गई है, मुर्गी मुर्गी नहीं आई, मुर्गियां दिखाते हैं। KFC आ गया गाइस हमारा, KFC खाते फिर मिलते हैं आपसे। जी गाइस KFC हमने खा लिया था, बस आगे का सफ़र जारी रखते हैं और चलते हैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जाके मुलाकात होती है, फिर आपसे इस्लामाबाद का माहौल दिखाते हैं आपको। पहले बेहरा का देख रहे हैं आप, कितना ही ज़बरदस्त मौसम। ये देखें आप हमारे जैसी गाड़ी, ओ वाओ। जी तो हम आ गए थे इस्लामाबाद चकरी और टैंकी हमारी दूसरी फुल होने लगी है, पहले वाली ख़त्म हो गई थी चकरी पर और अब ये सफ़र हमारा जारी है, आप देख। जी तो गाइस हम आ गए इस्लामाबाद टोल पर और अब आगे का सफ़र भी दिखाते हैं आपको। आगे चलकर इनको टोल देते हैं, टोल वाले भैया को। जी तो व्यूअर्स हम आ गए हैं अपने कैफ़े इस्लामाबाद, ये रूफ टॉप कैफ़े, और मिलवाते हैं इनके ओनर से आपको, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं एहसन भाई। और आप ये बैठे हुए हैं, क्या हाल हैं बॉस जी? सब ठीक है आपकी? ठीक है। और क्या हाल है सोनू भाई? ठीक है, बैठ रहे हैं, बैठ रहे हैं भाई। उमर भाई कैसे हैं? ठीक है। ये इनका कैफ़े है जी और देख सकते हैं आप कितना ही ज़बरदस्त माहौल है। आप में से भी जो इस्लामाबाद से हो वो चक्कर लगा सकते हैं यहाँ पे और बड़ी डिस्काउंट मिलेगी आपको इंशाल्लाह। व्यूअर्स हम कैफ़े से फ्री हो गए थे और अब जा रहे हैं एहसन भैया हमें लेके। किधर जा रहे हैं सर? हम मैकडोनल्ड जा रहे हैं। चलें जी मैकडोनल्ड चलते हैं, फिर वहीं मुलाकात होती है आपसे। जी तो व्यूअर्स जा रहे हैं, गाड़ी हमारी रेडी हो गई है, एहसन भाई ड्राइव करेंगे। अच्छा तुमने खोल ली है इसकी, बताया एहसन भाई मज़ा आ रहा है? जी तो गाड़ी जी गाइस स्ट्रॉबेरी शेक हमारा आ गया था, बकाया ऑर्डर अभी आ रहा है। सारे फ्रेंड्स इकट्ठे हुए हुए हैं इस्लामाबाद मैकडोनल्ड, आप लोगों के पास आए हैं, आप लोगों के शहर में। देखें कितना ज़बरदस्त व्यू है, माहौल है जी। व्यूअर्स हमने ऑर्डर कर दिया था खाना, रैप शैप, अब खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। जी तो व्यूअर्स सारे फ्रेंड्स इकट्ठे हो गए हैं, गाड़ियाँ देखें आप, सारी आवाम इकट्ठी हो गई है। आए जो इस्लामाबाद, अब मिलना तो है ना लोगों ने, फिर दोस्त हैं हमारे बहुत सारे। देखें आप फुल एंजॉय हो रहा है, रात के टाइम देख सकते हैं आप, टाइम में आपको दिखाता हूँ, देखें फुल एंजॉय हो रहा है। जी तो व्यूअर्स घर आ गए थे हम और बस रेस्ट करते हैं इंशाल्लाह। ये रूम है हमारा इंशाल्लाह। ये सरमत भाई हैं, कैसे हैं सरमत? ठीक हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई उमर शेख, गाड़ी हमारी रेडी है, हम आए हैं इस्लामाबाद और बाहर से आपको व्यू दिखाते हैं, आप देख सकते हैं। और ना दो हम बिल्कुल ही रेडी हो गए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। और चलते हैं बाहर की तरफ, बाहर का रास्ता कहाँ से खुलता है? बाहर का रास्ता यहाँ से खुलता है। बाहर कितना ही ज़बरदस्त मौसम है और पहाड़ नज़र आ रहे होंगे आप लोगों के पीछे। ये देखिए माहौल, बोलिए ज़बरदस्त माहौल है। चलते हैं जी, अभी आपको थोड़ा सा इस्लामाबाद दिखाते हैं, फैसल मस्जिद चलते हैं और सेंटोरस चलते हैं। जी दोस्तों चल रहे हैं इस्लामाबाद से, भाई से इजाज़त लेते हैं, हमारे भाई हैं हमजा भाई सर। अच्छा अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू। ये हमारे सरमत भाई हैं जी, इनसे भी इजाज़त लेते हैं। ओके ओके सर, होती है फिर इंशाल्लाह मुलाकात। गाड़ी रेडी है जी, सामान हमने लोड कर लिया है इसके अंदर और चलते हैं, निकलते हैं कैफे वाली साइड पर, चलते हैं कुछ खाते हैं, आपको भी दिखाते हैं। ये देखें पहाड़ चेक करें आप, कितना ही ज़बरदस्त माहौल है और व्यू है, बेहतरीन मज़ेदार। क्यों बाप रेडी हो? इस वक्त बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, आप हमारे इस व्लॉग को बिल्कुल भी मिस ना करना और स्किप नहीं करना आप लोगों ने बिल्कुल भी। मैं देख रहा हूँ व्यूज बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, आप माहौल चेक कर सकते हैं।
चल रहे हैं कैफे। आपको कितना ज़बरदस्त मॉल है ये शाम बाद का, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है ये मॉल, चेक करें आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ज़बरदस्त किस्म का मॉल है। थोड़ी शॉपिंग भी करते हैं और आपको भी दिखाते हैं क्या ले रहे हैं। जी तो दोस्तों हम आ गए हैं फूड कोर्ट में, आपको फूड कोर्ट चेक कराते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फूड कोर्ट है और कुछ खाते हैं आपको भी दिखाते हैं क्या खा रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त लिखा हुआ है इन्होंने कि खाने उतना ही लें जितना आप खा सकें, और खाना हमने ऑर्डर कर दिया इधर से और बस खाना आ रहा है, फिर खाते हैं आपको भी दिखाते हैं क्या खा रहे हैं। जी तो खाना फाइनली आ गया है, खाना खाते हैं और चलते हैं फिर आगे, फैसल मस्जिद भी आप लोगों को दिखानी है तो खाना खा लें फिर मुलाकात होती है आपसे। जी तो खाना हमने खा लिया था, बस अब चलते हैं फैसल मस्जिद की तरफ और वहाँ जाकर दिखाते हैं आपको क्या क्या है वहाँ पर, चलें फिर। जी तो हम यहाँ से गुजर रहे थे, ये भाई आ गए हैं। जी सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये प्यार है जी आपका, थैंक यू सो मच। अच्छा जी अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। जी व्यूअर ये एक और भाई आ गए हैं। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। जी तो गाइस देखें आप कितनी बड़ी बिल्डिंग है सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद की, आप देख सकते हैं। तो गाइस आ गए हम फैसल मस्जिद और आपको भी दिखाते हैं, ले चलते हैं अंदर। इसके मीनार देखें आप कितने बड़े बड़े इसके मीनार हैं, देख रहे हैं आप। जी तो गाड़ी हमने यहाँ खड़ी कर दी है अपनी, वाप रेडी हो चलने के लिए? वाप रेडी है जी चलने के लिए, हम चलते हैं अंदर और आपको भी दिखाते हैं कि अंदर के क्या हालात हैं और किस तरह दिखता है ये फैसल मस्जिद, और ले चलते हैं आपको अंदर। आओ बाहर से दिखाते हैं पहले बाहर से क्या क्या है और फिर अंदर भी ले चलते हैं आपको, आप देख सकते हैं ये देखें जैसे दिखती है फैसल मस्जिद। अल्लाह पाक का घर है ये, कितना नीट एंड क्लीन है, रश आप देख सकते हैं कितना है और कितनी फैमिली आई हुई हैं, और शूज हमने उतार दिए थे अब दिखाते हैं आपको आगे, ये देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नीट एंड क्लीन, पहाड़ भी देख सकते हैं आप कितना प्यारा मंदिर है यहाँ पे, कितना ही प्यारा मंदिर। तो ये देखें आप अंदर आ गए हैं ऊपर, कितनी ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और व्यू चेक कर सकते हैं आप, मौसम भी ज़बरदस्त हुआ है, पहाड़ चेक करें आप। जा रहे हैं जी अंदर वाली साइड पर, पता नहीं देखते हैं खुली है या बंद है, मेरे ख्याल तो बंद ही है ये, मैं कहता फ्राइडे वाले दिन खुलती है, आम दिनों में पता नहीं खुलती है नहीं खुलती, आप देख सकते हैं अंदर से, आप देख सकते हैं अंदर से किस तरह है, बस ये विंडो में से दिखा रहा हूँ आप लोगों को, आप देख सकते हैं कितनी ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही होगी आपको अंदर से, पहाड़ मज़ेदार किस्म का व्यू है, आप लोग भी यहाँ पर आएँ चेक करें, जो भाई बाहर के मुल्क से देख रहे हैं मुझे और उनके लिए बड़ा फ़ायदा होगा इस वीडियो से, आप देख सकते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा हूँ मेरे व्यूज़ कम हो रहे हैं, आप लोगों को वीडियो नहीं पसंद आ रही तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, और नीचे का व्यू चेक करें आप, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का व्यू है, आप देख सकते हैं ये देखें बहुत ही मज़ेदार व्यू। तो जी अब चल रहे हैं गाड़ी की तरफ और चलते हैं मरी इंशाल्लाह, मरी जाके आपको शुगर दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी तो आ गए हैं हम मरी टूल पर और देते हैं टूल और फिर आगे का सफ़र भी दिखाते हैं आपको। जी तो गाइस हम जा रहे हैं मरी, आप भी साथ चले हमारे। जी तो दोस्तों मोटरवे पे चल पड़े हैं हम, मरी मोटरवे पे एक्सप्रेसवे पे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, सनरूफ हमने छत खोल ली है गाड़ी की, आप देख सकते हैं कितना ही मज़ा आ रहा है। पहाड़ चेक करें व्यू चेक करें, इंशाल्लाह ये वाले ब्लॉग होंगे इतने मज़े के होंगे, आपकी सोच भी ज़्यादा मज़े के होंगे वाले ब्लॉग। गाइस इतना मज़ेदार मौसम हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं फोग, ओहो इतनी ज़बरदस्त फोग हुई हुई है मरी में, नज़र आ रही होगी आप लोगों को, चलते हैं जीपीओ पर मुलाकात होती है आपसे।
और फॉग चेक करें आप, कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं इतना मौसम मौसम आप देख सकते हैं। वेदर चेक करें आप, बस वेदर देखें कितना क्यूट है, क्यों आप कितना प्यारा वेदर है, बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत मजा आ रहा है, इतनी एंजॉयमेंट, यकीन करें कभी भी हमारी यहाँ कर नहीं हुई जो इस बार मौसम मिला है। तो दोस्तों आ गए हम माल रोड के बिल्कुल करीब, आप देख सकते हैं इधर से लिखा हुआ है माल रोड लेफ्ट पे, और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए कश्मीर पॉइंट, आप देख सकते हैं गाड़ी में लगा दी है यहाँ पे, और कितना ही प्यारा मौसम और वेदर नज़र आ रहा होगा आपके। और हमारा होटल ये नहीं है, हमारा होटल दूसरा है, दिखाते हैं आपको, लेकिन मौसम देख लें उससे पहले आप, कितना ज़बरदस्त हुआ है जी। तो आ गए हैं मरी माल रोड पर जीपीओ चौक, आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा मौसम है, वेदर देख सकते हैं, रश देखें आप, फैमिलीज आई हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा रश है जी। तो गाइस फाइनली 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 हम पहुंच गए हैं अपने होटल, और ये हमारे भाई हैं, आप देख सकते हैं इन्हें, डॉक्टर याया आबासी, और ये इनका होटल है आप देख सकते हैं जी। तो गाड़ी खड़ी कर दी है हमने, आप व्यू चेक कर सकते, व्यू चेक कर सकते हैं, ये बांदर निकला है, बांदर छुट गया है, आप देख सकते हैं व्यू, इतना ज्यादा एंजॉय करवाने में बता नहीं सकता, ये व्यू चेक कर सकते हैं आप, वेदर और जबरदस्त किस्म का वेदर है, फुल मजेदार। तो आगे अपने रूम में, रूम आप देख सकते हैं कितना ज्यादा खूबसूरत है, बेहतरीन जबरदस्त किस्म का रूम है, और ये लाश गिर गई है। और चलते हैं कुछ खाने, जीपीओ पे माल रोड पे चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं वहाँ का माहौल, रूम आप चेक कर सकते हैं, ये लॉबी है इसकी जी। तो ये होटल है हमारा हवेली वन, इसके ऑनर है याया बासी साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, ठीक है? ये हमारे इतने प्यारे भाई हैं, आप सोच भी नहीं सकते, यूं समझें कि हमारा अपना घर है यहाँ पे जी। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, हमारे आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, हमारे कोई भी व्यूअर्स आएंगे तो आप डिस्काउंट करेंगे? इंशाल्लाह करेंगे जी। व्यूअर्स किसी भाई ने भी आना हो जीपीओ चौक से बिल्कुल साफ जी। तो आप देख सकते हैं कितना रश है माल रोड पे, और बहुत ही ज्यादा रश है, बहुत फैमिलीज आई हुई है, मजेदार वेदर हुआ है, वेदर बहुत क्लासी हुआ है, और देखें फैमिली किसने किस तरह एंजॉय कर रही है। तो जी आप थोड़ा सा वेट करें, इतनी भी क्या जल्दी है, आपको दिखाते हैं, इधर बहुत खूबसूरती है, बहुत ज्यादा ऐसी है। हम इस वक्त पहुंच गए हैं केएफसी के पास, आगे आपको बाबा जी से भी मिलवाएंगे। लास्ट टाइम जब हम इधर आए थे हमने ये कॉर्न खाई थी, और ये कॉर्न बहुत मजे की है। उमर भाई ऐसे ही है, आपको ये पसंद है? बहुत ज्यादा पसंद इंशाल्लाह। ये हम कौन खाएंगे आपको इसके बारे में बताएंगे, और ये कौन बहुत टेस्टी है, आप जब भी जीपीओ आए तो ये लाजमी टेस्ट करें। और जी आज हमारा है जी देसी खाने का मूड, ये आप देख सकते हैं बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत से इधर दुम्बे और उनकी चकलियां हैं। उमर भाई खाएंगे आप या आगे जाएंगे? फाइनली जी बाबा जी आ गए, उमर भाई बाबा जी खाने का कोई मूड है आपका? बाबा जी से मिल के आते हैं पहले, अभी हम चलते हैं अंदर, फिर बाबा जी से मिलते हैं और फिर आपको भी मिलवाते हैं जी। तो अंदर आए हैं आप देख सकते हैं, बाबा जी बहुत ज्यादा बिजी हैं, बहुत ज्यादा क्लाइंट है यहाँ पे, रश वगैरह हुआ हुआ है, तो चलते हैं कहीं और, चलते हैं कहीं और कुछ खाते हैं जी। तो घूमते घूमते हम आ गए मरी हिल्स पे, आप देख सकते हैं रश फैमिलीज का। ये उमर भाई ने झूठ बोला, हम घूमते हुए नहीं आए, हम बिल्कुल सीधा आए हैं। बिल्कुल सीधे सीधे आए जी जी। तो आए थे, भूख लग रही थी बहुत ज्यादा, हमने कहा चले मछली खाते हैं, अब ठंड है, ठंड में मछली तो खानी चाहिए ना जी। तो विवर्त खाना खाने आए थे हम लोग, और ये फैंस मिल गए यहाँ पे, मरी में भी आप लोगों का प्यार है जी बहुत ज्यादा। क्या हाल है जी? ठीक है आप? ठीक है आपकी, कहाँ से आए हैं आप? अच्छा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आप भी मुल्तान थे? मैं भी, हमारे इलाके के बंदे हैं ये जी। तो खाना हमारा आ गया है, फिश हमने मंगवाई है, और भी ऑर्डर आ रहा है, फिर खाना खाने के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। ये तो सिर्फ यही खा देगा मोटा, और हमने कुछ और मंगवाया है क्योंकि हम लाइट चीज़ें खाते हैं, डाइटिंग पे हैं। भाई और मिल गए, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है, किधर से हैं भाईजान आप? डीजी खान वालों अस्सलाम वालेकुम। आपका व्लॉग शहजाद भाई के पहले वीडियोस देखता था, ठीक है, आपके चैनल पे सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी वीडियोस बना। थैंक यू सर, थैंक यू जी। तो आप देख सकते हैं 14 अगस्त की आमद आमद है, फुल एंजॉय होगा 14 अगस्त पे, अब पता नहीं हम यहाँ 14 अगस्त पे हैं नहीं है। ये जी उमर भाई हैं, उमर भाई अब हमें शेक पिलाने लगे, हमारा आ गया है, और जूस पीते पीते जाएंगे होटल, एडिटिंग करेंगे, और इतना खट्टा जूस बना रही है, दिल ही नहीं कर रहा खट्टा बना रही है, छोड़ दो फिर ना पियो, किसी को दे दो, खट्टा बना रही है, देख रहे हो जी आप इसके काम।
अच्छा जी, आज की वीडियो का यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। आपका भाई उमर।